go. सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं फिल्म राधे यो मोस्ट वांटेड से जुड़ी आए दिन कोई ना कोई खबर भी सामने आती ही रहती है। दरअसल हाल ही में सलमान खान की अपकमिंग फिल्म राधे यो मोस्ट वांटेड भाई की शूटिंग खत्म हो चुकी है। शूटिंग को खत्म करने के बाद सलमान खान ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम से एक पोस्टर और शॉर्ट वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें लिखा हुआ था कमिंग सून। ऐसे में ये कहा जा रहा था कि सलमान खान की फिल्म राधे जल्दी ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी, लेकिन अब इस बात का खुलासा हो चुका है कि ये फिल्म अगले साल तक सिनेमा घरों में ही रिलीज होगी। वेल, इसके अलावा फिल्म राधे से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस फिल्म में एक जबरदस्त हिट सॉन्ग भी होने वाला है, जो कि नए साल के मौके पर ही रिलीज किया जाएगा। वेल, आपने ये गाना पहले भी सुना होगा। अगर आपने साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े की फिल्म डीजे देखी है, तो फिल्म में सुपर सॉन्ग सीटी मार था, जिस पर एक्टर अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े की जबरदस्त केमिस्ट्री दिखाई गई थी। और अब आपको इस गाने पर सलमान खान और एक्ट्रेस दिशा पाटनी की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इनसाइड सोर्सेस से ये खबरें सामने आ रही हैं कि सलमान खान की फिल्म राधे के लिए इस गाने के राइट्स खरीदे गए थे, जिसके बाद अब सीटी मार गाने को सलमान खान की फिल्म एक जबरदस्त अंदाज में भी पेश किया जाएगा। बता दें कि ये गाने का रीमेक सॉन्ग होगा, जिसके लिरिक्स हिंदी में होंगे। साथ ही खबरें तो ये भी है कि इस गाने पर काफी ज्यादा खर्चा भी आया है, तो वहीं सीटी मार सॉन्ग फिल्म राधे का सबसे ज्यादा महंगा गाना भी है। बता दें कि इस गाने में दिशा और सलमान की जोड़ी आपको देखने को मिलेगी। वेल, इसके अलावा फिल्म की स्टोरी और स्टार कास्ट की बात करें, तो फिल्म की स्टोरी और स्टार कास्ट काफी ज्यादा दमदार है। आपको बता दें कि फिल्म राधे यो मोस्ट वांटेड भाई एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में सलमान खान एक कोप की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिल्म में दिशा और सलमान के बीच आपको रोमांटिक केमिस्ट्री भी देखने को मिलेगी। फिल्म को डायरेक्ट कर रही हैं प्रभु देवा, तो वहीं स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में काफी दमदार स्टार कास्ट है। इस फिल्म में एक्टर रणदीप हुड्डा, जैकी श्रॉफ के अलावा कई सुपरहिट एक्टर और एक्ट्रेसेस आपको नजर आने वाले हैं। वेल, आपको बता दें कि फिल्म साउथ कोरियन फिल्म वेटरन की हिंदी रीमेक फिल्म है। फिल्म में आपको एक्शन और कॉमेडी का भरपूर तड़का भी देखने को मिलेगा, तो वहीं एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस भी इस फिल्म में एक जबरदस्त आइटम सॉन्ग करते हुए नजर आएंगी। वेल, आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए दिशा पाटनी और सलमान खान ने काफी ज्यादा मेहनत भी की है। फिल्म में दिशा और सलमान दोनों ही एक्शन करते हुए भी नजर आने वाले हैं। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो यह फिल्म अगले साल मार्च तक रिलीज की जा सकती है, और फिल्म का ट्रेलर आपको नए साल के मौके पर ही देखने को मिल सकता है। वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान कभी ईद कभी दिवाली और एक था टाइगर फिल्म का फोर्थ पार्ट भी जल्दी ही लेकर आने वाले हैं, जिसका नाम होगा टाइगर आएगा। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस जल्दी ही फिल्म के टीना में टीना कपाड़िया का किरदार निभाते हुए नजर आएंगी। वेल दोस्तों, आपको सलमान खान के फिल्म में कौन से गाने का बेसब्र से इंतजार है, सीटी मार और जैकलिन के आइटम नंबर का? साथ ही आपको क्या लगता है कि दिशा और सलमान की जोड़ी इस बार सुपर हिट साबित हो पाएगी या फिर नहीं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।